अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो देखने से पहले जो जो नए लोग हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकूँ। और आइए मैं आपको आज डिवाइड सिखाती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने आपको एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया था। अगर उसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं वो वीडियो दोबारा बना लूं। और अगर आप मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उसकी भी वीडियो बना लूँ। ठीक है, आज मैं आपको डिवाइड सिखाऊँगी। डिवाइड का एक बॉक्स बनता है जैसा मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, और इसकी दो टर्म लिखी जाती हैं। अच्छा, इस टर्म को जो है वो डिवाइज़र कहते हैं जिसका टेबल पढ़ा जाए। इस टर्म को डिविडेंड कहते हैं जिस नंबर से टेबल पढ़ा जाए, और जो नंबर पे पढ़ा जाए, जो यहाँ वैल्यू लिखी जाएगी, उसे कहते हैं क्वेश्चन। और जो लास्ट वैल्यू हमारे पास बचती है एज रिमाइंडर, जो रिमेनिंग रह जाती है, उसे कहते हैं रिमाइंडर। जो भी वैल्यू हो उसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे ही हम डिवाइड सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल सिखाती हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको सिंपल सिखाऊंगी, इसलिए मैंने नंबर चेंज कर दिया। तो 2 1 2, इसमें माइनस अप्लाई होगा। माइनस को हम जो है इसमें जो यूज़ करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने प्लस यूज़ किया था, डिवाइड में हम माइनस यूज़ करते हैं। तो 2 में से 2 गए, 0 बचा। ठीक है, हम 0 भी लिखते हैं बाज़ अवकात क्रॉस भी लगाते हैं। अब जो इसके बराबर वाली वैल्यू है वो नीचे उतर जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ कोई नंबर रह भी जाता है तो भी बराबर वाली जो है वैल्यू नीचे आएगी। लाजमी है एक वैल्यू नीचे आना। ठीक है, ऐसे ही हम डिवाइड को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 4, माइनस क्या, कुछ भी नहीं बचा। क्रॉस भी लगा सकते हैं, 0 भी है। मैं आपको दोनों चीज़ें आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ। क्रॉस भी लगा सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड सॉल्व हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कुछ बच जाता है, जैसे 2 1 2, माइनस किया, 1 रिमेनिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। सही है, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। आगे जो है वो सॉल्व करने के लिए हम पॉइंट लगा के फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो है वो उसके आगे। ठीक है, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। अगर हमें रिमाइंडर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें रिमाइंडर नहीं रखना है, जैसे हमें एक आता है कि इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए डेसिमल यूज़ करना पड़ता है, वो डेसिमल सम होते हैं। अब ये देखिएगा कि 2 के टेबल में 5 कब आता है। अब 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो हम इसे छोटा नंबर देखेंगे। ठीक है, तो 2 के टेबल में 5 से छोटा नंबर क्या आता है? 2 1 2, 2 2 4, और 2 3 6 हो जाएगा, तो 5 से बड़ा हो जाएगा 6, इसलिए हम छोटा नंबर देखेंगे, 2 2 4। अब माइनस करेंगे, 1 बचा। ठीक है, अब इसको नीचे उतारेंगे, 4 आया। 2 के टेबल में 14 कब आता है? 2 7 14, माइनस कर दिया, कुछ नहीं बचा। अब 3 उतारेंगे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 से छोटा 2 आता है, तो 2 1 2, माइनस करेंगे, अब ये बच गया हमारे पास रिमाइंडर। अब हमें इसमें जो है वो रिमाइंडर नहीं रखना है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, डेसिमल वाले सम्स में यूज़ होता है, ये नॉर्मल डिवाइड में यूज़ नहीं होता है। याद रहे, ये नॉर्मल डिवाइड में मत करना। जहां आपके पास क्वेश्चन आए कि डेसिमल में सॉल्व करना है तो ही आप इसको सॉल्व करेंगे। लाजमी है कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन पे पॉइंट लगाना ज़रूरी है, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5 10, माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये याद रखें कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से पहले हमें ज़रूरी है टेबल का याद होना। अगर हमें टेबल नहीं आता तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते। तो ये रहा आपका डिवीजन। अगर डेसिमल वाले हों तो हम पॉइंट लगा के आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास आगे दोबारा रिमाइंडर रह जाता है तो आपको दोबारा पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पॉइंट लग गया तो आप कभी भी 0 लगा सकते हैं। ये थी मेरी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको डिवाइड सिखाया था,
और मैं आपको मैथ्स के बेसिक सिखा चुकी हूँ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये चार मैथ्स की बेसिक्स होते हैं, ये आता है तो ही आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसकी वीडियो दोबारा बनाऊँ आपके लिए। और अगर मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।